Welcome to the channel of Foundation An Academy Foundation Olympiad. My name is Asif Mumtaz. आज हम लोग एंट्रोपी करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको अगर थर्मोडायनेमिक में कुछ नहीं भी आता है तो नो नीड टू वरी, दिस इज एक्चुअली अ एंट्रोपी फंडामेंटल, ठीक है। ये एक एंट्रोपी का कंसेप्ट है और आप लोगों को पूरा क्लियरली ये समझ में आएगा। यहां पर मैं काफी क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा। एक बार मैं लिंक शेयर कर देता हूं। ठीक है, ठीक है। सो मैं थोड़ा लोगों को, अपने जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा लिंक शेयर कर दूं। से बता दीजिए, चलो नाउ वी कैन स्टार्ट। देखो, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज नॉट एक्चुअली अ केमिस्ट्री वर्ड, इट इज एक्चुअली अ इंग्लिश वर्ड, एंट्रोपी। इट इज एक्चुअली अ, एक मिनट, मेरे मोबाइल में भी है, मैं इसे थोड़ा ये कर लूं। तो एंट्रोपी एक्चुअली में इंग्लिश वर्ड है। एंट्रोपी का क्या मीनिंग है और क्या मतलब है, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग सब्सक्रिप्शन एट अन अकेडमी, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में, नो इशू, ठीक है। आप सब्सक्रिप्शन अगर अन अकेडमी के किसी भी कोर्स या किसी भी कैटेगरी में ले रहे हो तो यू कैन यूज माय रेफरल कोड, यू कैन यूज माय रेफरल कोड विच इज ASIFMUMTAZ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एंट्रोपी। सो कितने लोग प्रेजेंट है एक बार बता दीजिए, बिकॉज अब हम लोग एंट्रोपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या है, ठीक है। ये मेरा कैमरा हैंग हो गया है क्या? हेलो, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि कुछ हैंग हुए हो कैमरा में। एक बार मैं फिर से अटैच कर लू के देख लू। नो आई थिंक सो, इट इज फाइन। क्या बोल रहे हैं आप लोग, अभी भी उसी तरह है? चलिए छोड़ दीजिए, नॉट अ इश्यू। Now we are coming for entropy. What is entropy? मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं एक बार कैमरा को चेक कर लूं। Just give me once. Now everything is fine. Now we are going to do the entropy. What is actually entropy? आइए, एंट्रोपी क्या है, आ रहा हूं पूरा डेफिनेशन के साथ, आ रहा हूं पूरा फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एंट्रोपी डेजिग्नेटेड बाय एस, थर्मोडायनेमिक में एंट्रोपी किससे डेजिग्नेट होता है? एस से डेजिग्नेट होता है, ठीक है। एंट्रोपी है क्या, व्हाट इज एक्चुअली एंट्रोपी? आइए पहले डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद डिटेल में इसे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। द प्रॉपर्टी एंट्रोपी इज डिफाइंड एज, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज, आप इसका देख सकते हैं, तीन लेक्चर और हो चुके हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, थर्मोडायनेमिक बोल के प्लेलिस्ट है, ये भी प्लेलिस्ट में चला जाएगा। इट डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू
विच मेजर्स डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम. क्या है एंट्रोपी? ये वो प्रॉपर्टी है जो मेजर करता है डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम. डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम, आते हैं इसके बारे में डिटेल में. पहले कुछ समझते हैं कि आखिर ये फंडामेंटल है क्या. चलो थोड़ा सा इस तरह से अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा. देखते जाइए आप लोग, एकदम बिंदास होके देखते जाइए. कितने लोग प्रेजेंट है, थोड़ा कमेंट करते हुए आगे बढ़िए. चलिए देख रहे हैं. अब मैंने ये तीन कंटेनर लिया है. कंसिडर करता हूँ कि एक कंटेनर में आपका सॉलिड है, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होता है? टाइटली पैक्ड होता है. देखते जाइए प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वॉच टिल एंड, योर कंसेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर. और आपको अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आता है तो जो लोग नीडी हैं उन्हें भी फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में बताइए. ठीक है, वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ सॉलिड. इससे लिक्विड में लिख देता हूं, एंड दिस इज गैस. तो लिक्विड में क्या होता है? लिटिल बिट लेस टाइटली पैक देन सॉलिड. द मॉलिक्यूल इज लिटिल बिट लेस टाइटली पैक देन सॉलिड. एंड इन गैस इट इज किसके किसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट सबसे इजी है, किसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट सबसे इजी है? देखिए एंट्रोपी क्या है? वो प्रॉपर्टी है जो मेजर करता है डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम. तो किसमें रैंडमनेस सबसे ज्यादा है, किसमें आप आराम से मूव कर सकते हो? गैस में, क्योंकि गैस में सबसे कम मॉलिक्यूल में काफी स्पेस होता है, काफी दूरी होती है. हमने एंट्रोपी ऑफ गैस इज मूवमेंट सबसे इजी है गैस में. एंट्रोपी का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? आइस में क्या था? टाइटली पैक मॉलिक्यूल था. एंड वाटर में क्या है? लेस टाइटली पैक. तो अगर आइस से वाटर जा रहा है तो एंट्रोपी व्हाट? एंट्रोपी इंक्रीजेस. और अगर ये आपका वाटर से अगर आइस बनता तो ये क्या होता? एंट्रोपी डिक्रीजेस. हाई कीप क्लियर एकदम? फिर से कैमरा में कुछ इश्यू आई है, इसे आप लोग कॉपी कीजिए. मैं थोड़ा सा एक बार कैमरा ठीक कर लूं. हेलो गुड मॉर्निंग प्रतिष्ठा राठी, सॉरी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया था, अभी सब ठीक है. चलो अब आप देखते चलो, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है व्हाट इज एंट्रोपी. सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होता है, इसका एंट्रोपी क्या होता है? कम होता है कंपेयर टू लिक्विड. लिक्विड में ज्यादा होता है, लिक्विड से ज्यादा क्या होता है? गैस. वही मैंने आपको दिखाया H2O से, तो ये बन रहा है आपका. अब देखो, अब इस चीज को समझो अच्छे से. मान लो इसका एंट्रोपी मैं S1 देता हूं, इनिशियल है, और इसका एंट्रोपी S2 देता हूं, तो एंट्रोपी क्या होगा? डेल S क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी. थोड़ा पीछे कर लीजिए जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं. चेंज इन एंट्रोपी. व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी? S2 माइनस S1. क्लियर है? अगर आप थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे तो यहां पर एंट्रोपी क्या है? S2 इज ग्रेटर देन S1. यहां पे क्या है? S2 इज ग्रेटर देन S1 बिकॉज़ S1 लिक्विड है, S2 गैस है. तो अगर मैं यहां पर डेल एस निकालता हूं तो S2 अगर ग्रेटर होगा S1 से तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अगर डेल एस पॉजिटिव आता है इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो रहा है?
इंक्रीजेस, दीज आर सम ऑफ द साइन विच आई एम गोइंग टू शो यू. एंट्रोपी क्या हो रहा है? इंक्रीजेस. और अगर डेल एस नेगेटिव आता है किसी जगह पे, अब देखो ना, मैं अब इस बैकवर्ड में जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, या छोड़ दो, नॉर्मल वे में सोचो. एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट एकदम, देखिए यहाँ पे सम्स तो आपसे बहुत अच्छे से हो जाएंगे. प्रॉब्लम ये आता है जब यहाँ पे फंडामेंटल रिलेटेड टू कंसेप्ट आता है, तब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या है. ठीक है, चलिए ये मेरा स्क्रीन लगता है कुछ अटक गया है. मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर से अपने आप को हटा ही देता हूं क्योंकि कैमरा बार बार बहुत प्रॉब्लम दे रहा है. तो आप जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए. चलिए नो, एवरीथिंग इज फाइन, क्लियर है. अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन में. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर वन, एक एमसीक्यू है, देखता हूं कितने लोग इसे कर पाते हैं. क्या है क्वेश्चन? In which of the following entropy decreases? ठीक है, आप बताइए, मैं यहां पर आपको ऑप्शन दे रहा हूं. In which of the following entropy decreases? किसमें entropy डिक्रीज हो रहा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा. हमेशा अगर आप सॉलिड लिक्विड गैस से हर चीज का फंडामेंटल को कंपेयर कीजिएगा ना, कि रिएक्टर में सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है, प्रोडक्ट में क्या है, तो आपके लिए ये करना बहुत इजी हो जाएगा. दीज आर द कंसेप्चुअल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. ये कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है जहां पर आप डेटा पुट करोगे और आंसर आ जाएगा विदाउट एनी कंसेप्ट. दिस इज अ हाईली कंसेप्चुअल फंडामेंटल, सो यू हैव टू बी रेडी विद दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सॉल्यूशन. रस्टिंग ऑफ आयरन. Melting of ice. Vaporization of camphor. चलिए मुझे आंसर बताइए. How many of you are present currently? So please tell me the answer. Hi Pratishtha, Keith, Sagar, answer बताइए मुझे. And session को भी like करते हुए चलो दोस्तों. ठीक है, देख लीजिए क्या होगा आंसर. किसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है? देखिए पहले अच्छे से समझिए, एक एक को मैं एनालिसिस करता हूं. इसे कर रहा हूं वेपराइजेशन ऑफ कैम्फर. कैम्फर क्या होता है? नैफ्थलीन बॉल, हमने क्लास 8-9 में भी पढ़ा है. कैम्फर क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है, तो एंट्रोपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना. मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉलिड से लिक्विड, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है. रस्टिंग ऑफ आयरन, हार्ड सॉलिड से, ठीक है, जिसका डेंसिटी बहुत हाई है, ठीक है, लाइट सॉलिड बन रहा है जिसका डेंसिटी कम है, तो एंट्रोपी तो ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है ना, लिटिल बिट लेस टाइटली पैक्ड हो रहा है ना. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज मतलब क्या हो रहा है? लिक्विड से क्या बन रहा है?
सॉलिड बन रहा है तो किस जगह एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है? आर आंसर इज ए, क्लियर है? बोलिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन. इज इट ओके? ठीक है, ठीक है. हेलो देवजी, ताचो ठीक है, बोलिए. ओ देवजीत है वो, चलो समझ में आ रहा है देवजीत. देखो स्कूल का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं, जो लोग 11 के हैं. देवजीत क्लियर है कि फिर से बताऊं? चलो क्वेश्चन टू. प्रिडिक्ट द एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस. अब एंट्रोपी साइन याद है, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बताया था, अब देखो कितने लोग इसे कर पाते हैं. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, आपको एक एक का साइन बताना है. ठीक है, देखो वही है जो मैंने वहां पर दिया है, वही चीज फिर से आ रहा हूं. चलो कुछ और भी ऐड कर रहा हूं. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस, वी जस्ट हैव टू प्रिडिक्ट द साइन. मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वॉटर, फ्रीजिंग ऑफ वॉटर बर्निंग ऑफ of rocket fuel, extraction of salt from sea water. क्या है? प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, क्रिस्टलाइजेशन और डिसॉल्व सब्सटेंस. कौन मुझे आंसर बताएंगे इसका? गुड मॉर्निंग सौमित सर, कैमन आचेन आपनी? देवजीत बुझते পাচ্ছো জিনিসটা ক্লিয়ার আছে? না থাকলে একটু বলবে, আমি এবার এক্সপ্লেইন করব. ঠিক আছে, সৌমিত, চলিয়ে প্রিডিক্ট দ্য সাইন অফ, ক্লিয়ার है? तो प्रिडिक्ट द साइन ऑफ द एंट्रोपी चेंज, एकदम सिंपल. देखो मैंने आपको यहां पर बताया था, प्रिडिक्ट द साइन, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा पॉजिटिव, एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा नेगेटिव. डेल एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी. एस टू माइनस एस वन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. चलो एक बार मैं टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर टू में, ज्यादा नहीं दूंगा. जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं मेरा, उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो स्टॉप करके थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले.
चलिए, आई एम वेटिंग फॉर द थिंग। गुड मॉर्निंग रोहित, थोड़ा पीछे करके देखना शुरू कीजिए, एंट्रोपी पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ डिजॉल्व सब्सटेंस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ डिजॉल्व सब्सटेंस में क्या हो रहा है? लिक्विड टू सॉलिड, ये अगर S1 है इनिशियल, ये फाइनल है, तो S1 क्या है? ग्रेटर देन S2, एंट्रोपी तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो डेल S क्या होता है? S2 माइनस S1। मान लो ये 10 है और ये 9 है, तो वैल्यू किस में आएगा? 9 माइनस, एक मिनट, है ना, 9 माइनस 10 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मैंने ऐसे भी बोला एंट्रोपी अगर इंक्रीज होगा तो नेगेटिव होगा, यहाँ क्या हो रहा है? मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉलिड टू लिक्विड बन रहा है, एंट्रोपी क्या हो रहा है? इंक्रीजेस, दैट मीन डेल एस इज पॉजिटिव। ग्रेट देवजीत, 1, 3, 5 नेगेटिव, अभी मैच करता हूं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है फ्रीजिंग ऑफ वाटर? लिक्विड टू सॉलिड, डेल एस नेगेटिव। वाओ देवजीत, वेरी नाइस। बर्निंग ऑफ रॉकेट फ्यूल, लिक्विड टू गैस, डेल एस क्या हो रहा है? एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर में सॉल्ट आराम से घूम रहा है, आप एक जगह उसे जमा कर रहे हो, तो ये क्या होगा आपका? एंट्रोपी डिक्रीजेस होगा, तो आपका ये क्या होगा? डेल एस क्या होगा? डेल एस विल बी नेगेटिव। देवजीत आप एकदम करेक्ट हो, वेरी नाइस। अब और बताओ, और किसी को कोई डाउट है? एक और एमसीक्यू कराऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन में एंटर कर जाऊंगा। एनीवन हैज डाउट्स, प्लीज सेशन को लाइक करते हुए चलो दोस्तों। क्लियर है पूरा? नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटर करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू है, ये सब नीट जेई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 हमारा हुआ था एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट अ डिक्रीज इन ऑप्शन आर, चलिए 5 ऑप्शन का रखता हूं। डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन टू, इब्राहिम स्लोली, सॉलिड इन टू सॉल्यूशन, एंड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। यस, वेरी नाइस, ईट इट। बर्निंग अ इन अ फायरप्लेस,
रेकिंग अप लीव्स इनटू अ थ्रैश बैग। एक और दे दूं, स्पिलिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आराम से, मैं क्यों लिख रहा था, मेरे पास ये ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्मेट में भी था, पीपीटी में, मैं इसलिए लिख रहा था कि आप भी क्वेश्चन पढ़ते हुए से लाइन बाय लाइन सॉल्व करने का सोचते हुए चलो। चलिए देवजीत, रोहित, प्रतिष्ठा, के और मुझे आंसर बता रहे हैं इसका। फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर इट। चलो मैं ही बता देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट डिक्रीज इन एंट्रोपी। ये क्या है, डिजोल्विंग अ सॉलिड इन सॉल्यूशन। अगर सॉलिड को सॉल्यूशन में डिजोल्व करोगे क्या करेगा, लिक्विड बनेगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, जगह और बड़ा हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा। बर्निंग अ लॉग इन फायर, लॉग क्या है, लकड़ी है, बड़ा बड़ा सॉलिड से क्या बन रहा है, गैस। रेकिंग अप लीव्स इन थ्रैश बॉक्स, बॉक्स का पत्ता इस तरह से है और आप इसको एक जगह जमा कर रहे हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज एंट्रोपी, फ्री मूवमेंट। जहां पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है एंट्रोपी डिक्रीजेस, जहां पर मूवमेंट को फ्री किया जा रहा है एंट्रोपी इंक्रीजेस। ठीक है, ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ योर स्कूल एंट्रोपी डिक्रीजेस एंड ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम ऑफ योर स्कूल एंट्रोपी इंक्रीजेस। इज इट ओके, स्पिलिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ ग्लास में अगर पानी है तो एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, जमीन में अगर गिर जाएगा तो आराम से वो हर तरफ मूव कर सकता है, तो एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर क्लियर है सबका तो बोलो, मैं आगे बढ़ता हूं। बोलिए, अब बस तीन चार फॉर्मूला हमें कुछ दिमाग में रखना है, हमारा काम हो जाएगा। आइए, नो द फ्यू फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेम्बर फॉर डूइंग द सम रिगार्डिंग एंट्रोपी। हमारा एंट्रोपी का फंडामेंटल क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला ओरिएंटेड में। सबसे फॉर्मूला ओरिएंटेड क्या है, डेल एस क्या है, एस टू माइनस एस वन। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। याद है ये रिवर्सिबल हम लोग कर रहे थे, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल लास्ट क्लास में, ये वो क्यू है। थर्ड, डेल एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर log v2 by v1। डेरिवेशन मैं दिखा सकता हूं मगर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखिए, आप बोलिएगा t कहां गया, एन आर टी था, ये सब यहां से जनरेट हुआ है। log p2 by p1, ठीक है। जरूर अनुराग, ट्राई टू गिव योर बेस्ट। अब मैं आ रहा हूं एंट्रोपी ऑफ, अब मैं फिफ्थ फंडामेंटल में आ रहा हूं जिसके अंदर तीन कंसेप्ट हैं। अब मैं आ रहा हूं एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन। ठीक है,
फेज ट्रांजिशन क्या होता है, एक एक करके मैं दिखाता जा रहा हूं, आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले मैं आता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। क्या होता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन? व्हेन सॉलिड मेल्ट, सॉलिड से क्या बनता है? लिक्विड। ठीक है, बस आपका फॉर्मूला याद रखना है, डेल एस फ्यूजन के लिए क्या होना चाहिए हमारा? क्यू बाई टी होना चाहिए। यहां पर ये क्या बन जाता है? डेल एच इंथैल्पी बाय टेम्परेचर। ये क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। बहुत सा सम सभी देखूंगा। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? लिक्विड टू गैस। यहां पर हमारा डेल एस, मैं शॉर्ट में वेप लिख रहा हूं, वेपराइजेशन क्या होगा? डेल एस वेप बाय टेम्परेचर। याद है ना, लिक्विड टू गैस, पानी बन रहा है H2O, लिक्विड से H2O गैस। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, क्या होगा? डायरेक्ट सॉलिड टू गैस बनेगा ये। डेल एस सब, डेल एच सब बाई टी, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, सम्स में आओ क्या, थोड़ा सम्स दिखा दूं। ठीक है, चलिए एक एक करके एकदम सिंपल क्वेश्चंस में आता हूं। पहले आज हमने कितना क्वेश्चन कर लिया है यहाँ पे? क्वेश्चन 3 है, तो अब मैं नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टैंडर्ड का भी कंसेप्ट आप लोग का क्लियर कर देता हूं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या दिया है? H2 गैस है, Cl2 गैस है, 2HCl गैस है एट 298 केल्विन। और यहां पर क्या दिया हुआ है? S नॉट। ये नॉट क्या है? ये नॉट तो हमने नहीं सीखा है, अभी सीखूंगा। 131 जूल पर केल्विन पर मोल है। एस नॉट ऑफ Cl2, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, देखते जाइए ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एस नॉट, सेशन को थोड़ा लाइक करते हुए चलो दोस्तों। एस नॉट HCl is equal to 187 joule per kelvin per mole। अब आइए थोड़ा सा यहां पर मैं आप लोगों को इस छोटे से जगह पे थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं स्टैंडर्ड का। ठीक है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। देखिए, अगर कभी भी थर्मोडायनेमिक में स्टैंडर्ड वर्ड यूज होगा, मान लीजिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी है, तो एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बस इसके ऊपर ना नॉट लग जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर टेम्परेचर 298 केल्विन है,
प्रेशर वन बार है एंड कॉन्सेंट्रेशन वन मोलारिटी, और कोई भी फर्क नहीं, ये आपका भी यूज नहीं पड़ेगा, ये आपको थर्मोडायनेमिक में सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा, पता कर लेंगे। कहीं पर भी स्टैंडर्ड दिया है, कोई फॉर्मूला में चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, बस उसका बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, ये तीन चीज का कंसेप्ट आ जाएगा, टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट 298 केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन वन मोलारिटी एंड प्रेशर वन बार, बस। अब आइए आप इसमें अगर नॉट हटा के इसको सोचोगे तो बहुत सिंपल वे में स्टैंडर्ड एंट्रोपी चाहिए, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब लोग पहला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं डेल एस एस टू माइनस एस वन, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा डेल एस क्या है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, जिसे मैं टू माइनस वन करके दे रहा था, यहां पे फाइनल क्या है, ये है, नॉट कर लो, स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, एस नॉट ऑफ एस सी एल, दो मॉलिक्यूल है तो एंट्रोपी में मल्टीप्लाई होगा टू माइनस, अब ये दोनों होगा एस नॉट ऑफ एस टू, एड कर लेता हूं इसके अंदर, और एस नॉट ऑफ सी एल, क्लियर है कि फिर से बताओ, देख लो देवजीत, अब मैं क्या कर रहा हूं, एस सी एल की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, 2 इंटू 187 माइनस 131 प्लस 233, ये पूरा क्या है, यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल है, इसका मतलब ये हमारा एंट्रोपी का यूनिट है, इसे आप सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर याद है 10 जूल पर केल्विन पर मोल, देख लीजिए, किसी को अगर कोई भी असुविधा या प्रॉब्लम है तो मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ, और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं देखता रहता हूँ, जो डाउट्स आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, जो लाइव है वो प्लीज फील फ्री टू आस्क। समझ में आया ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, देवजी तुम्ही आचो, वाहिद, अजीज, अबू बकर, आप लोग हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स, चलिए देखिए एक एक करके एक एक फॉर्मूला के ऊपर सम्स करता जा रहा हूं, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज 3600 जूल, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज of the gas, what is the entropy change of the gas, देखिए पहले डेटा लिखिए, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, 273 कन्वर्ट करके कितना आ गया हमारा 300 केल्विन, क्यू क्या दिया है 3600, अब क्या ये डेटा यूज करके आप कोई फॉर्मूला जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, एल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला बताया, देख रहे दीज आर द फॉर्मूला ओरिएंटेड, अगर आपको सम्स के बारे में ज्यादा डेटा के बारे में नॉलेज नहीं है तो भी आप डेटा यूज करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, क्या आएगा कैलकुलेट कर लिए, सो सिंपल 3 × 2 = 12 जूल पर केल्विन पर मोल लिख सकते हैं, क्लियर है कि फिर से बताऊं,
एकदम क्लियर है? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीज आर। गुड देवजीत, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन में आओ, मतलब थर्मोडायनेमिक के फॉर्मूला पे। नौ क्वेश्चन सेवन, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज इन वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस। इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली एट 315, 315 है ये, ठीक है, 315 केल्विन। एंड अ प्रेशर ऑफ 5 एटमोस्फेयर 2.5 एटमोस्फियर। क्लियर एकदम? अब देखिए, अब आप यहां पर सबसे पहले डेटा लिखना शुरू करो। डेटा में मैं क्या देख रहा हूं, मोल, चलो एन मान लेता हूं, वन दिया है, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, चलो टेम्परेचर 315 केल्विन है, प्रेशर 5 एटमोस्फियर टू 2.5, मतलब P15 एटमोस्फियर है, एंड P2 क्या है। तो आप कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जहां से आप एंट्रोपी निकाल सकते हैं इस वैल्यू को लेके? बिल्कुल जानता हूं, डेल एस इज इक्वल टू, अभी मैंने थोड़े देर पहले आपको ये फॉर्मूला से अवेयर किया है, 2.303 एन आर लॉग P1 by P2। ठीक है सर जी, वैल्यू 2.303, एन क्या है, वन मोल, आर मैंने पहले ही बताया था 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है। तो यहां पर ये देखिए, ये मोल में मैं आ रहा हूं, लॉग, ये तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, P15 होगा, ये 2.5 होगा, अगर दोनों एटमॉस्फेयर में है तो ये तो यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो टोटल आउटकम है वो यूनिट कहां से आएगा, ठीक है, कहां से आएगा, इसी जगह से आएगा, इसका क्या है यूनिट, जूल पर केल्विन पर मोल, या जूल पर केल्विन भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, मेरा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 5.764 जूल पर केल्विन पर मोल। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? इसके बाद एक फेज ट्रांजिशन के क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमारा एंट्रोपी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेशन को थोड़ा लाइक करते हुए चलो फ्रेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है, चलिए क्वेश्चन एट।
फाइंड आउट द For the vaporization of benzene at 353 Kelvin. The enthalpy of बेंजीन इज 30.54 किलो जूल पर मोल. सो सिंपल. फेज ट्रांजिशन ऑफ क्या चाहिए हमें? वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ ये दिया हुआ, तो डेल एस वेपराइजेशन हमारा क्या होगा? डेल एच वेपराइजेशन बाय टेम्परेचर. डेल एच हमारा क्या है? 30.54 और टेम्परेचर, ये किलो जूल है याद रखिएगा, किलो जूल पर मोल. एंड टेम्परेचर हमारा कितना दिया हुआ है? 353. डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 0.086 किलो जूल ये तो केल्विन भी है ना, पर केल्विन पर मोल. इज इट ओके और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन? गुड मॉर्निंग अब्दुल बासित, प्लीज से पीछे से देखिए, पूरा मैंने अल्ट्रा डिटेलिंग में एंट्रोपी पढ़ाया है. अब बहुत लेट आए हो, अब आप रिकॉर्डिंग आपको देखना होगा. सबका क्लियर है तो मैं सेशन को ऑफ करूंगा आज का. ठीक है, सभी अपना ख्याल रखिए, किसी को कोई भी डाउट्स होगा लेट मी नो. ठीक है, बाय, टेक केयर. कल हम लोग फिर मिलेंगे 11:30 बजे और कल फ्री एनर्जी हम लोग कंप्लीट करेंगे. जो लोग अभी से आए हैं वो देख लीजिए कि मैंने पूरे एंट्रोपी को कितना अल्ट्रा डिटेलिंग में पढ़ाया है. पहले पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आया, उसके बाद न्यूमेरिकल्स ओरिएंटेड क्वेश्चन में आया, देख सकते हैं आप. वो आप धीरे धीरे करके आप काम कर सकते हैं. क्लियर एकदम? अब आइए, किसी को कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द सेशन. एंड प्लीज सेशन को जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए चलो, एक मोटिवेशन मिलती है बीइंग अ टीचर. मुझे मालूम है बहुत लोग अभी नहीं आ रहे, बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे. जिनकी भी डाउट्स होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका क्लियर कर दूंगा. ठीक है, बोलिए सर एंड मैम. देवजीत क्लियर आछे पूरो? चलिए, मिलते हैं हम लोग कल फिर. टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए.